ग्रीन फील्ड का इम्पैक्ट आता है और वो ग्रीन फील्ड का इम्पैक्ट कैसे आता है फॉर अराइविंग एट दी वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज़ वॉट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस डिस्कशन आई एम श्योर फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू मस्ट हर्ड रिसेंटली सपोज प्रपोज ट्रांजेक्शन बाई दी रमेश चौहान ऑफ पार्लेज नाउ इट हैज़ बीन इन न्यूज़ लास्ट वीक That Mr. Ramesh Chauhan is uh, selling his Bisleri uh, business to Tata Consumer, and apparently the reason is uh, because uh, a daughter of Mr. Ramesh Chauhan is uh, not interested in the uh, family business, and therefore Mr. Chohan realizes that uh, uh, if nobody is going to look after this business uh, uh, after he is not not there then it is better for him that he uh, appropriately uh, dispose it of so that he is able to get a good price for it so now uh, how the valuation would have been done okay uh, how the how they would have done the valuation uh, is something that uh, uh, one will have to l look into the valuation report that they must have done but for our academic interest if we have to understand as to how the Bisleri could have been valued, Bisleri as a brand name could have been valued following the green field method. So the uh, the methodology for valuation of Bisleri using the green field method would work like this. Step number one, Bisleri as a company is valued in the normal course using the discounted cash flow, using the discounted cash flow. दैट स्टेप नंबर वन एंड दैट वी वी ऑल आर अवेयर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूजिंग द टू स्टेज टू स्टेज डिस्काउंटिंग मॉडल किस तरह से कंपनी की इंटरनसिक वैल्यू निकाली जाती है वह हम सबको मालूम है ऑलरेडी सो दैट इज नंबर वन सो नंबर स्टेप नंबर वन इज़ फाइंड आउट द इंटरेंसिक वैल्यू ऑफ बिस्लरी कंपनी एज ए होल यूजिंग द टू स्टेज डिस्काउंटिंग मॉडल सो वो फिगर आपको आपके पास में कंपनी का जो वैल्यू है वो फिगर आपके पास में आ गया अब आपको क्या करना है अब आपको ये करना है स्टेप नंबर टू अस्यूम दैट बिस्लरी एज अ कंपनी डज नॉट हैव एनी ऑफ द एसेट्स दैट इट इज़ यूजिंग करेंटली फॉर रनिंग द देश दैट मीन्स कंपनी के पास में प्रोजेक्ट भी प्लांट भी नहीं है और नेटवर्क भी नहीं है वर्किंग कैपिटल भी नहीं है कुछ भी नहीं है नथिंग इज देयर ऑल दैट हैज टू बी रीबिल्ट सो देट मीन्स फॉर रनिंग दिस्लरी प्लांट द होल प्लांट इज़ टू बी बिल्ट अगेन एंड सो वॉट यू डू कि अगर वो पूरा प्लांट वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारी फैसिलिटीज अगर एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की तरह से री कट्रक्ट करनी पड़े खड़ी करनी पड़े तो कितना खर्चा आएगा एंड दैट इज़ योर पॉइंट नंबर टू सो वॉट हैव यू गॉट एट स्टेज नंबर वन एट स्टेज नंबर वन यू हैव गॉट वैल्यू ऑफ बिस्लरी एज अ बिजनेस एज इट इज रनिंग टूडे यूजिंग द डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो आपको बिस्तरी के पूरे बिजनेस की वैल्यू मालूम पड़ गई अब आपको क्या करना है द कॉस्ट दैट यू इनकर ऑन सपोजली अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट टू बिल्ड दिटीज ऑफ पार्लिज एट दे एग्जिस्ट टूडे वो कितना आप खर्चा करेंगे डिडक्ट दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट यू विपोजली हाइपोथेटिकली इनकर from the figure of the value that you have arrived of the company at the step number 1 and difference between these two steps will be equal to the value of Bisleri as a brand using the greenfield method of valuation of intangible assets i am sure it is it has become absolutely clear to every one of you as to what is the greenfield method of uh, valuation of intangible assets and how it is used in practical life.